नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर की वर्दी पहने कुछ छात्रों का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्रों को अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त ये धार्मिक नारे लगे उस समय वहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद थे। वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन से नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को कहा है। वायरल हुए वीडियो में एनसीसी की वर्दी पहने और उसका झंडा लिए हुए कुछ छात्र तिरंगे के नजदीक अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो कथित तौर पर गुरुवार को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एएमयू परिसर के बाहर शूट किया गया था। एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने दावा किया है कि वहां एक लड़का नारा लगा रहा था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रॉक्टर के मुताबिक छात्रों की पहचान की जा रही है और पहचान के बाद कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि छात्र यूनिवर्सिटी के गेट पर नारेबाजी कर रहा था और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। छात्र की शिनाख्त होने के बाद उसके खिलाफ जरूरी कार्यवाही की जाएगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गुरुवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2002 के दंगों पर आधारित बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा यानी एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में विवादास्पद फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। वहीं एसएफआई ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि एसएफआई के आह्वान पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की सफल स्क्रीनिंग की गई। इसे देखने के लिए 400 से अधिक छात्र आए जिन्होंने दुष्प्रचार और अशांति पैदा करने के एबीवीपी के प्रयासों को विफल कर दिया। एसएफआई छात्र समुदाय को सलाम करता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परिसर में लोकतंत्र के लिए खड़े हुए हैं। वहीं इसके जवाब में एबीवीपी के छात्रों ने आज विश्वविद्यालय परिसर में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की। गौरतलब है कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित यह फिल्म पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं के बाद कश्मीर से कश्मीरी हिंदू के पलायन को दर्शाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल बना मुख्यमंत्री की जंग ने एक बार फिर सियासत को गर्मा दिया है। खबर है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा आज शुक्रवार को बुलाई गई मीटिंग में सीएम केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। वे इसके बजाय आज पंजाब जाएंगे और वहां राज्य सरकार के मोहल्ला क्लिनिक की लॉन्चिंग में शामिल होंगे। बता दें एलजी और सीएम के बीच छिड़ी ये जंग नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार एलजी और सीएम के बीच खींचतान के मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि सीएम केजरीवाल के साथ उनके कैबिनेट मंत्री और 10 विधायक भी शुक्रवार को 4 बजे राजनिवास पर आ सकते हैं, जिस पर केजरीवाल ने ये कहकर असमर्थता जाहिर कर दी कि वह तो पंजाब जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, शुक्रिया एलजी साहब, लेकिन मैं शुक्रवार को पंजाब जा रहा हूँ। हमारी गुजारिश है कि हमें मीटिंग के लिए दूसरा समय दिया जाए। वहीं अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि पहले सीएम केजरीवाल ने खुद मीटिंग कर मिलने का समय मांगा था और अब जब एलजी ने समय दिया है तो वो कह रहे हैं कि वह तो पंजाब जा रहे हैं। कोविड-19 काल के दौरान मिले सबक को झारखंड राज्य अब अपना हथियार बनाने की तैयारी में है। बता दें कोरोना महामारी के दौरान झारखंड में 8.5 लाख प्रवासी श्रमिकों ने घर वापसी की थी। अब उन प्रवासी मजदूरों की उस यात्रा की तस्वीरों और दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपनी प्रवासी आबादी के लिए एक नया सर्वे शुरू करने जा रही है। बता दें जनवरी 2023 की शुरुआत में राज्य के 24 जिलों में 60 से अधिक प्रगणक पहले झारखंड प्रवासी सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए 11,000 परिवारों के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। अधिकारियों शोधकर्ताओं ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के काम के प्रमुख क्षेत्रों को मैप करना है, उनके परिवारों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभों का पता लगाना और उनके स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान करना है। साथ ही बता दें कि यह पहल झारखंड के सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन पहल का हिस्सा है, जिसे 2021 के अंत में लॉन्च किया गया था और इसमें प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करना शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर पलटवार करते हुए कहा कि साल 2018 में राज्य में कांग्रेस की वापसी उनके पिछले कार्यकाल में किए गए काम की वजह से हुई थी। इसके साथ ही सीएम ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 156 सीटें जीतने का भी लक्ष्य रखा। दरअसल लंबे समय से गहलोत और पायलट के बीच चल रहे मनमुटाव के बीच
पायलट ने हाल ही में कहा था कि 2013 से 2018 तक जब वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के संघर्ष के कारण कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। वहीं अब गहलोत ने पायलट का नाम लिए बिना कहा है कि 2013 की हार काफी हद तक मोदी लहर के कारण हुई थी, लेकिन राज्य में बीजेपी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि वो जो माहौल बनता है वो भी एक बड़ा कारण होता है सरकार वापस आने का। बाकी कारण तो होते ही हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी संघर्ष करती है, सड़कों पर उतरती है। हालांकि जनता के दिमाग में था कि पिछली बार हमने 2013 में सरकार बदलकर गलती कर दी और इसलिए इस बार पहले ही हवा बन गई थी कि सरकार आनी चाहिए और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके साथ ही गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी के पास उनकी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और लोगों में कोई सत्ता विरोधी भावना नहीं है और जनता सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से खुश है। पाकिस्तान इस समय कंगाली की ओर बढ़ रहा है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की उम्मीदों को आज और भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तानी रुपया कल डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान इस समय दिवालिया होने की कगार पर है और चीन, सऊदी अरब से लेकर वर्ल्ड बैंक तक ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तानी रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 255 रुपए के पार पहुंच गई है। बता दें, यह जानकारी खुद पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में दी गई है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी रामदेव ने गुरुवार को दावा किया है कि जल्द ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और उनका विलय भारत में हो जाएगा। पतंजलि योगपीठ में 74वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह के बाद रामदेव ने कहा कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और पाक अधिकृत कश्मीर सब अलग राष्ट्र बनेंगे और पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा। पड़ोसी मुल्क में बढ़ रही कंगाली के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सभी टुकड़ों का भारत में विलय हो जाएगा और भारत महाशक्ति बनेगा। योग गुरु ने आगे कहा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ सांस्कृतिक एकरूपता है, इसलिए वे खुद ही भारत में विलय होने का प्रस्ताव देंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भारत महाशक्ति बनेगा, यह आने वाले समय की पुकार है और ऐसा होने वाला है। इसके साथ ही रामदेव ने देश की सनातन परंपरा से जुड़े महापुरुषों के अपमान पर नाराजगी जताते हुए बयान दिया कि भारत में एक धार्मिक आतंकवाद चल रहा है और सनातन हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। सनातन परंपरा के धर्म शास्त्रों और महापुरुषों पर लांछन लगाने वाले लोग भारत विरोधी हैं और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारों पर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि भारत अपमानित हो। उन्होंने देशवासियों से ऐसे लोगों का विरोध करने की भी अपील की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।